जियो एयरटेल और वीआई रिचार्ज महंगे होने पर ट्राई का बड़ा फैसला। अब सभी कंपनियों को करना होगा ये काम। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने आदेश जारी किया है कि नए आदेश के अनुसार जियो एयरटेल और वीआई को खास निर्देश दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने सभी रिचार्ज प्लान, जैसे कि आप जानते हैं, महंगे कर दिए हैं। इन कंपनियों ने 20% तक अपने प्लान में बढ़ोतरी की है। इसी बीच ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया है कि नए आदेश के अनुसार जियो एयरटेल और वीआई को इसके तहत खास निर्देश देने होंगे। ट्राई का फैसला। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनी को अपने ऐप और वेब पोर्टल को बेहतर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि यूजर आसानी से स्पैम कॉल की कंप्लेंट कर सके। दरअसल ट्राई का यह आदेश स्पैम कॉल को रोकने के लिए उठाया गया है, जिसे अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यानी कि यूसीसी भी कहते हैं। अब सभी कंपनियों को करना होगा ये काम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों से यूसीसी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन और प्रीफरेंस मैनेजमेंट ऑप्शन को आसान बनाना होगा, ताकि यूजर को इससे आसानी से ऐप और वेबसाइट से एक्सेस कर सके। ट्राई के अनुसार अगर यूजर अपनी मर्जी से कॉल, लॉग और डेटा का एक्सेस देता है तो वेबसाइट पर ये ऑप्शन होना चाहिए। इससे यूजर के लिए चीजें और भी बेहतर हो सकती है। ट्राई ने जारी किए 160 नंबर। ट्राई ने हाल ही में घोषणा की थी कि वित्तीय संस्थानों से संबंधित लेनदेन की कॉल्स के लिए 160 नंबर की सीरीज शुरू की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर ठगों से बचाना है और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। 160 नंबर की सीरीज से लोग आसानी से पहचान सकेंगे और ये सुरक्षित बैकलॉग होगा। इससे लोग आसानी से पहचान सकेंगे कि यह एक सुरक्षित बैंकिंग नंबर है। 160 नंबर सीरीज के लाभ। सुरक्षा बढ़ाना। इस नई सीरीज से फाइनेंशियल लेनदेन से संबंधित कॉल को सुरक्षित बनाना है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो सके कि वे सुरक्षित कॉल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। साइबर ठगी से बचाव। इस पहल का मुख्य उद्देश्य साइबर ठगी को रोकना और ग्राहकों को फर्जी कॉल से बचाना है। विश्वसनीयता। ग्राहकों के लिए यह आसान होगा कि वे यह पहचान सके कि कॉल वास्तव में किसी वित्तीय संस्थान से है, जिससे विश्वास और सुरक्षा बढ़ सके। कैसे करेगा काम। 160 सीरीज किसी भी फाइनेंशियल संस्थान की ओर से आने वाली कॉल्स 160 नंबर सीरीज से शुरू होगी, जिससे को आसानी से पहचान सकेंगे कि यह कॉल सुरक्षित और आधिकारिक है। चेतावनी। यदि कोई कॉल 160 नंबर सीरीज से नहीं आती तो ग्राहक उसे संदिग्ध मान सकते हैं और उसे सतर्क रह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।